आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज मैनपुरी आएंगे सीएम योगी, माधवराव सिंधिया की मूर्ति का करेंगे अनावरण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औरैया दौरा, आज बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। नवनिर्वाचित मेयर अध्यक्ष सदस्यों का शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां हुई पूरी। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हुआ तैयार, आज सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट, पूरे यूपी में आंधी बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे, जहां सिंधिया तिराहे पर लगी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद रहेंगे। दोनों नेता यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एक विशाल पंडाल बनाया गया है। पंडाल के पास हेलीपैड बनाया गया है। प्रशासन सीएम योगी के आगमन को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया विमान यात्रा से कहीं जा रहे थे, तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जनपद मैनपुरी के भैंसरोली गांव में गिर गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। नगर के आगरा रोड स्थित सिंधिया तिराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। 2 साल पहले किन्हीं कारणों से प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर नई प्रतिमा लगवाई गई थी, लेकिन उसका अनावरण नहीं हो सका था। इसी प्रतिमा के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आज मैनपुरी दौरे पर हैं, जहां वो स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बता दें, कुछ समय पहले उनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं अब जो उनकी याद में मूर्ति जो बनवाई गई है, अब उसका अनावरण करेंगे सीएम योगी, जिसको लेकर आज वो औरैया पहुंचे हैं। वहीं इसके साथ ही उड्डयन मंत्री भी औरैया पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज औरैया दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक भी करेंगे, साथ ही शैया जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी होगी। तो आपको बता दें, सैया जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। आज सीएम योगी औरैया दौरे पर हैं, वहीं आज मूर्ति के अनावरण के साथ साथ वो निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे सैया जिला अस्पताल का। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी औरैया दौरा है। बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। वहीं इस बैठक में अधिकारियों के साथ कार्यकारिणी को लेकर भी बातचीत करेंगे। औरैया जिले का सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा गया सस्पेंड वॉल पेंटिंग इन दिनों काफी चर्चा में है। ये दिव्यापुर थाना क्षेत्र के समाधानपुरवा गांव स्थित सीएमओ ऑफिस का मामला है। जब ये मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल शासन द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी को निलंबित किया गया था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी के निलंबन का ट्वीट किया था। निलंबन के बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम सीएमओ ऑफिस की मेन दीवार की वॉल पेंटिंग पर अंकित था। उनके नाम के नीचे किसी ने निलंबित लिख दिया। वहीं अधिकारियों ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी के नाम के नीचे लिखे गए निलंबित शब्द को हटाने के आदेश दिए हैं, साथ ही जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की है। ये अभी आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है,
और ये बहुत गलत बात है। और आपके सामने मैंने देखे आदेशित किया है कि जाकर के उसको साफ करें और संज्ञान में लिया गया है और जांच कराई जाएगी। अगर कोई जिसने गलती की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें औरैया से एक अजीबो गरीब खबर सामने आई है, जहां एसीएमओ के नाम के नीचे निलंबित लिख दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी को निलंबित किया गया था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी के निलंबन को ट्वीट किया था। निलंबन के बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम सीएमओ ऑफिस की मेन दीवार की वॉल पेंटिंग पर अंकित किया गया था उनके नाम के नीचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, क्या है पूरा मामला? ईशा, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम द्वारा डॉक्टर सैनी को निलंबित किया गया था। उसके बाद आज देखा जाता है कि बाल पेंटिंग द्वारा दीवार पर बाल बॉन्डी पर लिखा हुआ है डॉक्टर सैनी निलंबित। जब इसके संबंध में सीएमओ से बात की गई है तो उन्होंने बताया ये मामला आप लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में आया, अभी तक कुछ संज्ञान ये मामला था नहीं, तो जो भी जिसने भी ये हरकत की इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अब क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं जो अधिकारी है? अधिकारियों का यही कहना है कि ये मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था। इस संबंध में सीएमओ से बात की गई है तो उन्होंने कहा कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लेकर जिसने भी इस प्रकार की हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जाहिद। वहीं सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शुक्रवार से शपथ दिलाने का काम शुरू होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि 762 में 760 नगर निकायों पर चुनाव हुए हैं। इनमें 17 नगर निगमों की महापौर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही भाजपा ने तमाम नगर पालिका पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर भी विजय हासिल किया है। इसलिए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी की गई है। साथ ही सरकार और भाजपा संगठन की ओर से इसके लिए सभी मंत्रियों के साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कानपुर को एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने से बहुत ही समय रहा। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के शुभारंभ पर शुक्रवार को 4,500 लाभार्थी पहुंचेंगे और सीएम योगी का संबोधन सुनेंगे। इन्हीं एयरपोर्ट का दौरा भी करेंगे। साथ ही हीपीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, NRLM समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के लिए अलग दीर्घा बनाई गई है और सभी को लाने और छोड़ने के लिए अवसर लगाए गए हैं। वहीं इस उद्घाटन समारोह में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी और इसके साथ ही कई और विभागों के राज्य मंत्रियों के भी आने की संभावना है। साथ ही साथ मुख्य सचिव समेत अन्य शासन के अफसर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं अगली खबर अंबेडकर नगर में से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर देखी जा रही है। जिला चिकित्सालय में उन्हें भेज दिया गया है। वहीं दोनों का इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरी घटना अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र स्थित लाडलापुर गाँव की बताई जा रही है। तो आपको बता दें दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों की अब हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अभी जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं जो बाकी लोग हैं उनके इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। आपको बता दें अब इस मामले में जो पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और मामले की जाँच कर रही है। अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से अंबेडकर नगर के लड़लापुर गांव है, वहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष के बीच दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि सर पे जिस तरीके से धारदार हथियार से हमला हुआ है, उस हमले के दौरान उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति थी, उस तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। और इसके साथ ही पुलिस ने दोनों को हिदायत देते हुए दोनों पक्षों की ओर से तहरीर हासिल कर ली। पुलिस का साफ कहना है इस मामले में कि तहरीर हासिल हो गई है और इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, इस मामले को लेकर पुलिस को गंभीरता पहले ही दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जब पुलिस को मालूम था कि यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है, तो इस विवाद को गंभीरता से देखना चाहिए था, जिससे एक ही एक स्थिति जिस तरीके से तनाव की स्थिति हुई है, ये तनाव की स्थिति ना बनती। फिलहाल जिस तरीके से जब त्रिभुवन की बात की जा रही है और उनके बेटे दयाशंकर की बात की जा रही है, तो दोनों ही की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहां पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरा पक्ष की अगर बात की जाए तो दूसरा पक्ष जो चोटिल हुआ है वो नॉर्मल चोट लगी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ की तहरीर हासिल करके मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी, तो कलीम, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने इस मामले में? देखिए ईशा जी, इस मामले में अगर बताना चाहेंगे तो पुलिस का साफ कहना है कि तहरीर हासिल कर ली गई है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो स्थिति है दोनों की, तो दोनों की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन चीज ये है कि जिस तरीके से दोनों जब पक्षों की तहरीर मिलती है तो दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस थाने लाती है और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से एक पक्ष की हालत गंभीर है, जैसे कि त्रिभुवन और उनके बेटे दयाशंकर की बात की जाए, तो दोनों की जिस तरीके से हालत गंभीर है, तो उस हालत गंभीर को देखते हुए पुलिस इस मामले में दूसरे पक्ष की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी ले सकती है। जिस तरीके से जो मुकदमे की धाराएं बनेंगी, उस मुकदमे की धाराओं को लेकर के जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कली। वहीं औरैया में ड्यूटी से घर वापस जा रहे पीडब्ल्यूडी कर्मी कुंवर सिंह को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीडब्ल्यूडी कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल पीडब्ल्यूडी कर्मी को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी अछलदा भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पीडब्ल्यूडी कर्मी की मौत की सूचना से परिजनों का बुरा हाल है। औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के वीरा उसर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज शाम करीब 8 बजे दिनांक 25 मई 2023 को 108 एम्बुलेंस द्वारा कुंवर सिंह पुत्र श्रीराम साकिया, जिनकी उम्र लगभग 59 वर्ष थी, जो कि निवासी सकरावा मणा थाना छल्ला अंतर्गत आता है ये गांव, ये गंभीर हालत में लाए गए थे। तो मैंने इनका परीक्षण किया तो ये में कोई भी लाइट सिम्टम्स नहीं थे, ये ब्रॉड डेड अवस्था में लाए गए थे। इसकी सूचना मैंने संबंधित थाने को पुलिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा भेज दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, क्या है ये पूरा मामला? जी सर, मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जो है घर वापसी जाते समय कुंवर सिंह के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनको स्थानीय लोगों की मदद से उनको सीएचसी अछलदा भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। वही पुलिस ने पंचनामा भरकर बॉडी को सबको लिए पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया। वही परिजनों को सूचना मिलती इस संबंध में, तो परिजनों का रोल का बुरा हाल हो जाता है। जी, तो जाहिद, आए दिन ऐसे सड़क हादसे सामने आते रहते हैं, तो इसको लेकर पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जैसा कि पुलिस की बात की जाए तो आए दिन सड़क पर जाम लगना, हादसे होना, पुलिस इसमें बराबर कार्रवाई कर रही है, पर कहीं ना कहीं पुलिस नाकामी में भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं गलत तरीके से वाहन चलाते हैं, जहाँ इस तरीके से पुलिस चीजें तक नहीं पहुँच पाती और ऐसे हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद जाहिद। वहीं फतेहपुर में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से नीम के पेड़ के नीचे खड़े किसान की मौत हो गई और नीम का पेड़ भी जलकर राख हो गया। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। किसान की मौत के बाद नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार को शासन से मिलने वाली सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिया गया है। ग्राम उन्नौर में वहाँ के निवासी थे रामनाथ पासवान जी, वो अपने खेत में मेड़ बांधने के लिए जा रहे थे, तभी आकाशीय विद्युत से
गिद्दी और उसकी चपेट में आ गए और यहाँ अस्पताल ले आए तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें शासन के निर्देशानुसार उनको 4 लाख रुपए की सहायता राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए जांच प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। जैसे ही बयान वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे 48 घंटे के अंदर इनके परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। वही अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नंदगंज थाना क्षेत्र के आकाशपुर इलाके से बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश लूटपाट की कई वारदातों में शामिल रहे। बदमाशों के पास से लूट के 2500 रुपए और लूटी गई 2 बाइक भी बरामद की गई है। नंदगंज पुलिस और हमारी स्वैट सर्विलेंस ने संयुक्त रूप से उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो सड़क के किनारे ट्रक वगैरह रुक जाते थे और चालक थोड़ी देर आराम करते थे, उनके साथ उनकी एकाकी का फायदा उठाकर लूटपाट करने का काम में संलिप्त थे। इसी तरह की एक घटना 24 तारीख की रात में हुई थी, उसमें पुलिस की सक्रियता से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे जिनसे लूट की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब उनसे वहीं यूपी में बेमौसम बरसात जारी है। सुबह से लखनऊ में तेज बारिश हो रही है, वहीं कानपुर में बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही है। बरेली से भी बादल छाए हुए हैं, हल्की बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 21 जिलों में बारिश हुई है। तो आपको बता दें पूरे यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं अब झमाझम बारिश हो रही है कानपुर और लखनऊ में। पूरे यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, वहीं कहीं ओले की भी संभावना देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुके हैं। तो सुहानी, क्या कुछ हालात है मौसम का? जी सर, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार कल से यानी गुरुवार से और आज के बाद उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर जो है बहुत ज्यादा ओला बारिश और इसे जो बारिश और उसके साथ साथ जो ओला होने की संभावना बताया जा रहा है। वही आपको बता दें कि तापमान में भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी आ सकती है और इसके कारण कई आपको आप देख सकती थी पिछले जो 1-2 दिन पहले 40 डिग्री से अधिक तापमान जो लोग उसे खेल रहे थे और ये भीतर गर्मी लोगों के लिए कितना ज्यादा मुश्किलें भरी थी, क्योंकि लोगों को आपकी आना जाना एक आम जनजीवन कितना ज्यादा वो परेशान थे कि वो सही से अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही अब देख सकते हैं लखनऊ में आमतौर पर दोपहर शाम तक बादल कल छाए रहे थे, वही सुबह बारिश भी हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन बहुत इससे राहत उसे मिला उससे और कहीं ना कहीं आम जनजीवन के लिए सही है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है और किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। आपको बता दें कि अगले जैसे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में स्थानीय पर बिजली और आंधी की संभावना भी बताया जा रहा है गिरने की। जी तो सुहानी, ये मौसम, ये सुहावना मौसम कब तक बना रह सकता है यूपी में? जी इस आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार ये जो बारिश है ये 28-29 तक अभी रहेगा और बताया जा रहा है कि जून में भी कभी कभी छींटे, जैसे कि आप बता सकते हैं कि जो चक्रवाती तूफान है उसके वजह से ये जो है कभी कभी बारिश इस में और जून में आ सकता है। जी, बता बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ पे ओलावृष्टि की संभावना भी है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले जैसे आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, ऐसे तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे बहुत तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकता है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। तो आपको बता दें यूपी के 75 जिलों में आज अलर्ट है बारिश का। वहीं 2 दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है यूपी के जिलों में। आंधी बारिश का अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो अब तक आपको बता दें कानपुर और लखनऊ में ऐसी बारिश देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, कानपुर में कैसा मौसम देखा जा रहा है? अगर बात की है मौसम की तो कल शाम के बाद मौसम जो रात थोड़ा बारिश हुई है उसको लेकर के मौसम में काफी जो है जो सुधार आया है और जो ठंडा मौसम रहा है
वही मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है कि लगातार जो मानसून का उतार चढ़ाव बना रहेगा कानपुर में। और उसके बाद की बात किया तो अगर देखा है तो किसानों को लेकर के अगर वो देखा है तो खासा उत्साह नजर आ रहा है कि मानसून आ गया है और उनकी खेती को लेकर के पूरी तरीके से वो खुश हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद उपेंद्र। तो आपको बता दें यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है, वहीं हर जगह मौसम सुहावना बना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें इससे पहले 40 डिग्री सेल्सियस था यूपी में, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब इस बीच राहत की खबर सामने आई है, जहां बारिश नजर आ रही है यूपी के 75 जिलों में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। तो आशुतोष, सुल्तानपुर में कैसा मौसम देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह जो है बारिश का मौसम बना हुआ था, कल ही मौसम जो है यहाँ खराब हुआ था, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी थी, कुछ जगहों पे जो है पेड़ भी गिरे थे, लेकिन आज भी हल्की बारिश जो है सुल्तानपुर में नजर आई है, लगभग 9:30 तक ऐसा ही माहौल बना रहा। जी जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आशुतोष। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।